अभी केंद्रीय मंत्री जी का आम सभा हो गया है, अब डॉक्टर रमन सिंह के जो 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 निर्वाचित विधायक है वह नामांकन के लिए निकलने वाले हैं कलेक्टर के लिए। अभी देख रहे हो पूरे सभी लोग, सभी यदि कलेक्टर जहाँ पे नामांकन वो दाखिल करेंगे वहाँ पहुँचने के लिए सभी तैयार है, और सभी जो भी उत्सुक है उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा भी कहाँ जाए सब तैयार हो मैंने कलेक्टर जाए पर नामांकन भरवाए अलग अलग माहौल होते भीड़ लगे थे रमन जी थी रमन सिंह जी हाँ तभी जावे नामांकन में हाँ अच्छा तो कुछ खाओ नहीं खाओ जी सुबह ले अभी तो नहीं खान फिर जाओ नहीं खाओ नहीं झंडा लेके पहुंचे जी। वो नाम क्या है बाबा? ओंकार निर्मल कर। कौन गांव घर है? बिलहारी। बिलहारी वहाँ मन ये जाम गांव वाले नहीं 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 अच्छा तब तक भीड़ पहुंचे क्या लगा है बगेल है क्या लगा माहौल देख के अब तक भीड़ उमड़े है हाथ सब एकदम बदलबो ना बदलबो कौन बदलबो को बघेल ला ऐसे चलो 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 ठीक। और भाई जी क्या नाम है फिर आपका? दुर्गेश साहू। दुर्गेश साहू कौन गाँव रहा जी? मड़ियान। तभी कहाँ निकलने वाला यहाँ से भीड़ पहुँचे? अभी नामांकन दाखिल करने के लिए जाता था ना अभी हमारे क्षेत्र से भरत वर्मा जी हैं जो हमारे ग्राम के ही हैं। अच्छा तो उनको जिताना है हमको इसीलिए हम लोग यहाँ सब गाँव वासी समर्थन के लिए आए थे। जो कांग्रेस का हाथ 75 पार का जी? अरे कहा 75 पार, कांग्रेस नदिया पार हो जाए। अरे अभी टिकट मिले के बाद कहा जमानत जब्त है? अरे रमन सिंह की एक तरफा जीतेंगे चिंता मत करो, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनेगी। फिर से बनी? फिर से बनी 100% बनी। तो बहुमत बहुमत क्या लग रहा है भाई? बहुमत बढ़िया बहुमत आएगा और गिरीश देवांगन की तो जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे का रैली में लेगा कहाँ के रैली में जो डॉक्टर रमन जी के आज रैली निकली का? हाँ रैली नहीं निकले नामांकन रैली में ये तो सब रैली रैली का रमन डॉक्टर के रैली में जात है। अरे कौन गांव आ दो बाबा? हमना भंडारपुर करेला भंडारपुर। अच्छा क्या लगा माहौल आज के? माहौल बहुत अच्छा है, पूरा विधानसभा जीती नादगांव जिला पूरा 6 सीट जीतना है। तो तुम खैरागढ़ के लिए? फिर खैरागढ़ के लिए भी विक्रांत भैया है पूरा। अभी कहा जी जैन हिसाब से छत्तीसगढ़ में सरकार है जो वर्तमान सरकार 75 पार कहा सबके पास? 75 पार नहीं अदारी पूरा घुटना के बल में रही हो बिल्कुल 35 सीट से ऊपर नहीं जाए। 35 भी एकदम सबो जन खुश है बोलते भी किसान नहीं पूरा विकास के काम पूरा ठप हो चुके हैं। किसान मतलब पूरा लूटे हैं माना। अच्छा। पूरा बिजली बिल हाफ बोल के पूरा बर्बाद कर रहे बिजली बिल डबल तिबल हो गए है। कर्जा माफ कहा थे जी? कोई कर्जा माफ नहीं करे किसान कर्जा माफ सबो जन कहा थे कर्जा माफ किसान एकदम अमीर आदमी बंद कहा 2017 का अच्छा योजना लाना चाहिए सरकार ला किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। अच्छा। मोर हिसाब से और बिजली बिल माफ कहा थे गोबरधन नरवा घरवा सब नरवा घरवा में पूरा बोहा है वह बघेल जी। अच्छा। पूरा बोहा गए है वह मिले जमानत जब तक रमन सिंह के रमन सिंह का जमानत जब तो हो ही नहीं सके वो तो इतना आंधी चले थे मैं नहीं उड़ा है रमन सिंह तो अभी कहाँ उड़ा जाए। अच्छा। वो 40,000 वोट से ऊपर में जीता ही करिए दारी क्या लगा तो होता वो के वोट से मतलब रमन सिंह 40,000 वोट से पार हो जाइए दारी। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विधानसभा भी 25,000 वोट से निकली ऊपर बहुत सुंदर। आज का माहौल देख कर आप क्या लगता है? देखिए माहौल देख के और जनता निर्णय लेके बैठी है। हाँ। बस अब चुनाव का इंतजार है जी। जो 5 साल जनता छत्तीसगढ़ की भुगती है। हाँ। उसका फैसला करने के लिए अब यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता आज नामांकन रैली में भी जो उपस्थिति लोगों की दिख रही है जी, जो समर्थन हाँ। इस पूरे जिले में पूरे लोकसभा में राजनांदगांव की बात कर रहा हूँ हाँ। राजनांदगांव जिले की विशेष रूप से भोला मानपुर की वो वहाँ पे हो गए नामांकन लेकिन जो चारों विधानसभा के लोग और आम जनता ने जो समर्थन दिया है इनकी राजनांदगांव में मैं राजनांदगांव की बात करूं बाकी जगह चारों सीट हम लोग बहुत बड़ी लीड से जीत के आ रहे हैं। जैसे भी कह रहे हैं कि गिरीश देवांगन को टिकट मिलने के बाद डाटा बुक जो रमन सिंह से जमानत जब की बात चल रही है देखिए जो बाहरी बाहरी का तब से नारा लगा रहे थे हाँ। आज कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों को 10 साल होने जा रहे हैं 10 से 15 साल यहाँ के स्थानीय लोगों को जो दावेदार है उनको पार्टी गिनती ही नहीं है पार्टी में और खरोरा से गिरीश देवांगन को यहाँ गिरा दिए मतलब गिरीश आके यहाँ गिरीश हाँ हाँ। राजनांदगांव में। अच्छा। लेकिन अब यहाँ चाहे राजनांदगांव की जनता ओला गिरा ही 40-50 हजार से हारे 50 हजार से भैया आपका नाम जाना चाहूंगा? सुमित मिश्रा युवा मोर्चा अध्यक्ष डोंगरगढ़। अभी डोंगरगढ़ विधानसभा को लेकर जो बोल रहे हैं कि इस बार क्या चाहती है डोंगरगढ़ विधानसभा? जैसा कि आप आज देख चुके हैं राजनांदगांव में आज नामांकन भरा जा रहा है चारों विधानसभा के हमारे प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं हाँ। निश्चित रूप से ही जनता में आक्रोश ऊर्जा हाँ। निश्चित रूप से आक्रोश ऊर्जा इस जनता में दिख रहा है। निश्चित रूप से हम अपनी सरकार बनाने जा रही है ये जनता ने अपना पूरा समर्थन दिखा के बता दिया है कि भूपेश सरकार की
ठगे सरकार को निश्चित रूप से यहां से उखाड़ फेंकने का जो काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा कार्यकर्ता करके दिखाएगी। आपकी बात बता रहे कांग्रेस सरकार बोली की 75 पार, ये सब कही कही सुनी बातें हैं, उनके उनके कहने और ना कहने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से बूथ से लेके पूरे ऊपर लेवल तक अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरी निष्ठा से निभाती आई है और निश्चित रूप से यहाँ पे विजय का परचम लहराया जाएगा, ये जनता खुद बताएगी। ऐसा क्या कर रहे हैं कि डोंगा के वर्तमान विधानसभा जो टिकट है उनको बदलना पड़ गया? जनता में पहले से ही आक्रोश था, वहाँ के भुवनेश्वर बघेल जो प्रत्याशी थे पहले, जो वहाँ के विधायक थे, उनको डोंगरगढ़ की जनता पहले ही नकार चुकी थी। वो 5 साल तो कभी डोंगरगढ़ में आए नहीं, घूमका क्षेत्र में एक अपना वो एक स्थान बना के रखे थे, बस वहीं रहते थे, वहीं उनका निवासी स्थान था, कभी डोंगरगढ़ में आया नहीं। उनके बाकी गांव में आप जाके कभी पूछ सकते थे तो वहाँ की जनता उनको कई गांवों में अपने गांव में घुसने ही नहीं दी। अच्छा। उसी का कारण है आज उनकी टिकट कटी है और जिनको टिकट जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया है निश्चित रूप से वो भी हारेंगी और डोंगरगढ़ में विजय का परचम लहराया जाएगा। विनोद खांडेकर जी भारी मतों से विजय होकर हमारे डोंगरगढ़ विधानसभा में स्थापित होंगे। कौन से विधान आप अपना नाम जाना चाहूंगा आपका? मैं श्रीमती अंजू त्रिपाठी जी डोंगरगढ़ विधानसभा। आज का माहौल देखकर कैसा लग रहा है? आज का माहौल ये अपनी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भूपेश बघेल को हटाना है, भगाना है यहाँ से। भीड़ देखकर आप क्या बोलोगे? पहला नामांकन रैली है, मतलब युवाओं का जोश, महिलाओं के जोश पहुँचे हैं। भीड़ देख के साफ जाइए अपनी विजयी भवा, हम विजय हो गए। जी आपका नाम जानना चाहूंगा? मैं अपर्णा तिवारी, पूर्व पार्षद, डोंगर गांव से। जी अब बदलबो कहा थे, क्या निर्णय है? बदलबो इस समय बदल के रहो। कारण क्या है बदले के? मतलब बदलने के भूपेश बघेल 36 प्रकार के गंगा जल ले के जो प्रतिज्ञा करे से उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा पूरा नहीं करी। यहाँ तक से बोर बच्चा मन भी पीएससी के बारे में इतना मरे है कि आरक्षण के कारण सब ये हो। पीएससी के बोलो चाहे महिला के बारे में कहो, आज कोई वादा पूरा नहीं कर सके है। एक कारण से हम चारों सब तरफ से हम निशेंगे, भूपेश बघेल भगाएंगे और चारों तरफ कमल खिला के रहेंगे। हाँ। क्या बोलना चाहते हैं? मैं हेमलाल साहू टेढ़ेसरा से हूँ, किसान हूँ। हाँ। ये भूपेश सरकार जी मोटर पंप को 5 HP का माफ करेंगे बोले थे। हाँ। लेकिन विभाग में जाओगे तो अभी तक आने वहाँ आदेश ही नहीं आए बोलते हैं। लेकिन बता दे भाई, तो किसान थाना खुश है बोलते हैं भूपेश बघेल? भैया आप लोग भले खुश हो मीडिया वाले। हाँ। हम लोग नहीं हैं। अच्छा है, थोड़े मंगे सरकार है बोले किसान? नहीं, हमारे सरकार नहीं है। हाँ। है? 1 रुपया चावल। हाँ। और फोकट के चावल। अच्छा। और 5 किलो एक्स्ट्रा। हाँ। और उला 21 रुपया से लेकर 24 रुपया में बचत कोचिया बनकर। हाँ हाँ। हाँ। वही चावल फैमिली में जाते। हाँ। फिर हमारा गोदाम में आते हैं। गोबर बात बोल रहे भाई? अरे गोबर बताओ, हमारा ने 7 एकड़ में गौठान बना है। हाँ। जाग देखो। हाँ। एक गरबा नहीं है। अच्छा। और 100 एकड़ के पेड़ डंप करे है। हाँ हाँ। ऐसा सरकार हम नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा मैं किसान हूँ। हाँ। मोर अनाज के भाव लापाने बढ़ा दे। हाँ। तो खेती करी तुम किसान चिन्ह भाई चीज बढ़ी नहीं है किसान। अच्छा बिजली माफ बोले है। हाँ। हाँ। 1 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट। हाँ। 3 रुपया 70 पैसा प्रति यूनिट हो गए। हाँ। 100 मिनट तक के है। अच्छा। 20 मिनट को 3 रुपया 90 पैसा हो गए। हाँ। तो हमला 200 रुपया पढ़ाते हैं। 480 रुपया। अच्छा। और 1 मिनट 1 महीना उपरा हो देकर 40 रुपया। तब मिस्त्री पूछे हो कहा बोलते वहाँ की कोयला ग्रेड बढ़ गए। तो मैं बोले हमने APL कार्ड डाले हमारे मन बढ़ गए का। अच्छा नहीं ऐसा। हाँ। सरकार हम नहीं चाहिए। हाँ। हमला देख। हाँ। 16% मुर्दादक समय ब्याज देते रहो बैंक में। हाँ। 14% हो इस। हाँ। उकर बाद में रमन सरकार बनी। हाँ। 4% हो इस। हाँ। आए? हाँ। और 0% में हमारा सोसाइटी में हमला कर्जा मिला थे। अच्छा ऐसा। हाँ। सरकार हमला बनाना है। हाँ। और रमन ले जिताना है, मोदी ले केंद्र में बैठाना है। अभी वर्तमान सरकार कहा थे आपके बार 75 पार कहा जी? अरे 75 नहीं हो 110 पार कर लेना जी। हमला नहीं चाहिए रहे आने भूपेश बघेल। आए
और दारू की थे वो दारू कोई भी सरकार आई तो नहीं बंद कर सके। समुद्र मंथन है तब वो मध्य निकले है, लक्ष्मी निकले ऊंचे ले, अमृत भी निकले है और सब अन्य जो भी निकले वही सब चीज समुद्र मंथन से निकले है। बोला कोई सरकार बंद कर सके। बात एक ठने उमन कसम खाई गंगा जल धर के छत्तीसगढ़ में दारू बंद करबो तो वो कहा के थे वो कवासी लक्ष्म का बने नहीं मंत्री हा तब मोर कहा गए थे मोर आदिवासी मन मऊ बिन थे तो वो दारू बनाते वो शराब नहीं की दारू बनाते तो जीवन में चल ही तो चला भैया ये कनकी ला हमारे गांव में चावल बनाते टेढ़े शहर में चावल बनाते कनकी के और वही ला सोसाइटी में बेचते वो यानी भूपेश बघाल है और वही चावल कहा कहा थे प्रोटीन मात्रा है गर्भवती वाली महिला मन के लड़का मन पुष्ट वही कहा थे कोई कोई पुष्ट नहीं हो वो सब लोग दुबराट रहे लबरा बनाते हाँ ऐसे हाँ। चलो ठीक भैया नमस्कार। हाँ उज्ज्वल योजना है अनेक केंद्र सरकार की योजना है और आपका पता वहाँ शौचालय बनाई सोकरे की योजना है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता बोल सकूँ तो मोरा नहीं है अब दो दिन लग गई। नहीं नहीं बहुत है धन्यवाद। ये अपना नाम बताएंगे? मैं राजा माखीजा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ जी जी। और इस बार हमने संकल्प लिया है सभी व्यापारियों ने और कमल फूल को लाना है डॉक्टर साहब को लाना है प्रदेश में भाजपा सरकार लानी है यही हमारा संकल्प है। जी अभी बता रहे हैं गिरीश देवांगन को टिकट मिलने के बाद जो रमन सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी इसी बात चल रही है ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ। और रिजल्ट देख के ही आप देखेंगे ऐसे तो सब बोलेंगे ही बोलेंगे लेकिन हमारे लिए तो जी जी रमन सरकार जल्दी बन रही है और डॉक्टर साहब तो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे एकदम ऐतिहासिक लग रहा है अभी माहौल एकदम क्रेंगा एकदम बस एक नहीं पहल बच्चों की युवाओं की थी। हाँ। तो हम बोले चलो बनाया जाए तो ये क्या संकेत देना चाहते हैं अभी इससे इससे कि भाजपा सरकार ये जितने हमारे परिवार इसमें नामांकन रैली में जा रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप बिल्कुल रमन सरकार बनाइए। अभी कहा जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा अब की बात 75 पार 50 तो पार रही है इस बार तो मायने बिल्कुल लगभग तय है। जी जी धन्यवाद भैया। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं नोमेश वर्मा अध्यक्ष हूँ सरपंच संग्राम का और संगठन में जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा। तो आज का माहौल भी आज नामांकन रैली है और आने वाले विधानसभा को लेकर किस रूप में देखते हैं? हम लोग आज जंगल विधानसभा के प्रत्याशी पंडिकर जी के नामांकन जी और मुझे लगता है कि ऐसा माहौल पहली बार ऐसा बन रहा है विधानसभा में इतनी संख्या में गांव-गांव से लोग बदलाव करना है देश से निकल कर नामांकन रैली और माननीय देश के गृह मंत्री जी का भाषण सुनने के लिए निकले। तो अभी जिसे बोल रहे हैं वर्तमान सरकार अब की बार 75 पार तो क्या देखते हैं आप? ये अब की बार 75 पार जो है उनका एक ढकोसला है उनको तो लोकल राजन विधानसभा में तो लोकल प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जी जी बाहर पैरासूट लैंडिंग करवाना पड़ा है बाहरी आदमी को उनको चुनाव लड़वाना पड़ा तो कहाँ से 75 पार का सपना देख रहे हैं। जी 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 अभी जिसे बहुत सारे बता रहे हैं घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया है मीडिया के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? घोटाला इस देश में मतलब इस राज्य में जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है जी जी घोटाला अपने चरम सीमा पर है। जी जी चाहे गोबर घोटाला की बात करें चाहे राशन घोटाला की बात करें या कोयला घोटाला की बात करें और इस देश में सबसे बड़ा बदलाव 16 लाख मतदाता है हमारे इस राज्य में अभिनव मतदाता तो निश्चित रूप से युवा साथी इस भ्रष्टाचार सरकार को वोट नहीं देंगे क्योंकि इस राज्य में ऐसा कोई भर्ती नहीं है जो कोर्ट की भेंट नहीं चढ़ाओ भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाओ। जी जी सभी युवा हताश और परेशान है और निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा जीतता है। बहुत सुंदर किया। अभी वर्तमान जो डोंगरगढ़ विधानसभा कई ऐसे गांव देखा हूँ जहाँ रोड नहीं बना है विकास नहीं है 5 साल हो गए विकास कुछ किया नहीं बोलते हैं उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? विकास वास्तव में बोला जाए तो कांग्रेसियों का ही विकास हुआ है। जी जी अब गाँव गाँव में दारू भट्टी खोल दिए मतलब अपने चरम पर रहा है और उसी का परिणाम है कि यहाँ के विधायक का टिकट कटना। जी यहाँ एक बात ज्यादा दूर की ना करे यहाँ ठेलगढ़ी महाविद्यालय जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह के समय सेंशन हुआ था और 3 साल चला भी उसके बाद इन लोग भूमि पूजन करते लेकिन आज तक 5 साल निकल गया लेकिन बिल्डिंग का कहीं ऐसा पता नहीं महाविद्यालय का। जीतेगा भाई जीतेगा भाजपा जीतेगा जय जय श्री राम।